नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। छापेमारी के दौरान देसी मास्क किट, कई राउंड गोलियां हुई बरामद। बांका जिला के अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र में रात बेलहर थाना और एसएसबी सोलर डी कंपनी द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर थाना के पघुनिया गांव से एक घर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान संतोष कुमार सिंह को घर से पकड़ा गया, जिसकी तलाशी के क्रम में एक देसी मास्क किट, एक देसी खाली मैगजीन, दो रेडमी कंपनी के मोबाइल, 19 गोली, खाली खोखा, दो जिंदा कारतूस, 5 बरामद किया। साथ ही संतोष कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में दी। भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। दो चरण में दो प्रखंड में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करा चुके हैं। प्रथम चरण में धरैया, उसके बाद बांका प्रखंड में हो चुका है। अगला चरण हम लोगों का 8 अक्टूबर को जोन में होना है। हम लोग उसके तहत लगातार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 107 की कार्रवाई 18,813 की है, जिनमें से 10,647 लोगों को अंतरिम बंध पत्र जिनके द्वारा भरा जा चुका है और 84 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने वारंट भी इशू कराया है। 207 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 3 CCA के तहत कार्रवाई की गई है। कई लोगों के खिलाफ CCA में वारंट भी इशू किया गया है, गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। उसी के क्रम में तैयारी के लिए ही हम लोग लगातार अवैध कागजात की बरामदगी की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी आज सुबह भी हम लोगों ने कुछ हथियार बरामद किया है, उनकी गिरफ्तारी की है। तो हम लोग इस तरह से लगातार सक्रिय हैं और लोगों पर नज़र बनाए हुए, जो भी वांछित अभियुक्त हैं, जो भी वारंटी हैं, प्रतिदिन छापामारी की जा रही है, वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है। 1,000 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। जो भी वैसे हैं, एकाध मामले ऐसे आए हैं कि जो इनको 107 के तहत बाउंड डाउन करवाया गया था, जो बंधपत्र रखे गए किए थे, उसके बाद उसके शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ हम लोग 188 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो भी बंधपत्र की कार्रवाई उनकी की गई है, जो भी बॉन्ड भरा गया होगा SDM कोर्ट में, चाहे वो ज़मीन का कागजात होगा, गाड़ी का कागजात होगा, उसको जब्त करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इस तरह का मामला है, थुरैया थाना क्षेत्र से, धनकुंड थाना क्षेत्र से आया है कि फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।